ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके लिए आज भी आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। लेकिन इससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 16 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण अधिमास और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा और योग रहेगा वरियान, करण होगा नाग, राशि होगी कर्क। लेकिन चंद्रमा आज शाम 4:57 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:03 तक। और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है साथियों। और आपको बताना चाहेंगे कि श्रावण अधिमास, यानी कि जिसको हम मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, आज वो समाप्त हो रहा है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे चर्चा करेंगे हम आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है, हमारे जो मित्र हैं। तो साथियों, आपके पास कई बार बहुत बड़े, कुछ ज्यादा बड़े सपने देखने की आपकी प्रवृत्ति है। जब आपकी आकांक्षाओं को पूरा करना थोड़ा असंभव हो जाता है आपके लिए, या ऐसा आप महसूस करते हैं, तो आपको एक कदम पीछे हटना चाहिए। और सपने हमारे जीवन में मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए उन्हें छोड़ना भी नहीं है। लेकिन अपनी अपेक्षाओं को उचित रखिएगा और व्यवहारिक होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। प्रबंधनीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित जरूर करें और धीरे धीरे और लगातार प्रगति करते रहिए। जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है साथियों। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कड़ी मेहनत या परिश्रम करते रहना चाहिए। उपाय आप करें, सोने के चम्मच का प्रयोग अपने खाने में करें, ताकि आपकी रोजगार या व्यापार में अच्छी तरक्की आपको हासिल हो। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए 4। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आज आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। दिन आपके लिए अच्छा है और आपको लोग आगे बढ़ने के लिए भी काफी प्रेरित करेंगे। अगर कोई असंभव लगने वाला कार्य आपके सामने आ भी जाता है, तो आपको डरने की ज्यादा विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द को अपने ऊपर कभी हावी बिल्कुल भी ना होने दें, और इसके बजाय उन सभी चीजों को सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक विचार करके करने की पूरा करने की कोशिश करें और उन्हें अपने जीवन में लागू भी करें जहां तक हो सके। आपके आसपास के लोग आज आपको सभी चीजों के लिए प्रेरित करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप उपाय करना चाहते हैं, तो शुद्ध सूती कपड़ा और नमकीन गरीब स्त्रियों को समय समय पर जरूर दान करें। ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से होगा सुधार। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो मेरे प्रिय साथियों, जो हमारे आप मिथुन राशि के मित्र हैं, देखिए, जो आपके मित्र हैं उनमें से जो भी आपके मुश्किल समय में आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके चले, खड़ा रहे, असली मित्र वही होता है। कुछ समय आप उनके साथ, ऐसे मित्रों के साथ जरूर बिताएं। अपने बिजी शेड्यूल में से, व्यस्त कार्यक्रम में से भी, या जो आपकी व्यस्त दिनचर्या है उसमें से भी कुछ समय अपने ऐसे मित्रों के लिए जरूर निकालें। और आप पूरी तरह से अगर ऐसा करते हैं, तो आप इसका एक तरीके से आपको बहुत अच्छा फील होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद आप जरूर करने के लिए आगे आएं जो आपको असमर्थ महसूस करा सकता है। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी उसके साथ मित्रता अच्छी होगी और उसके दिल में आपके प्रति प्यार और सम्मान पैदा होगा। उपाय आप करें, 1.25 किलो आटे को भूनकर उसमें गुड़ का चूरा मिलाकर के चींटियों को खिलाएं। चींटियां, जिनको कुछ लोग कीड़ियां भी कहते हैं, उनको खिलाने से रोजगार या व्यापार में आपको उसका फायदा प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी और शुभ अंक आपके लिए 6। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो आज आप ज्ञान के उभरते क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि लेंगे और एक विशेष विषय आपकी रुचि अपनी ओर आकर्षित करेगा। और संभावना इस बात की है कि आप आज कुछ समय ऐसा पाएंगे जो आपके इस विषय की समझ को और अधिक विस्तार देगा, डाइवर्सिफाई होगा इसका आपका। विभिन्न प्रकार के विषयों की सारणी से भी परिचित रहना और समय के साथ चलना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है साथियों। आजीविका की ओर से देखें तो आज का दिन बहुत सुखद दिन रहने वाला है। आप अपने सारे कार्य समय पर पूरा करने के कारण बहुत अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। उपाय आप करें, ओम गंग गणपताये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम
108 बार 108 बार जप करें, उच्चारण करें, पारिवारिक जीवन सुखद और बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए 6। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। साथियों, आज आप बेचैन और चिड़चिड़े रहेंगे, कुछ ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत है। लेकिन आपको ये निश्चित करना है कि आप चिड़चिड़े रहना पसंद करते हैं, अगर नहीं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। और आप आज कुछ भी गलत नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा विचार लेकर के आपको चलना है, क्योंकि आपकी कूटनीतिक क्षमताओं की परीक्षा मान के चलें कि अब होने का समय आ गया है। यदि आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी सीमाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करता है या कर रहा है, तो आपको उन्हें अत्यधिक कठोर हुए बिना रोकने के लिए भी कोई ना कोई तरीका खोजना आवश्यक है। और ये याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दूसरों के प्रति क्रूर होना हमेशा अपनी बात को पहुंचाने का अच्छा तरीका नहीं होता है। उपाय आप करें, गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगवा करके गरीब लोगों में बांटिए, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा आपका। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक 4। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के जातक हैं, जिनका विरगो साइन है। तो प्रिय साथियों, क्योंकि चंद्रमा का अभी कर्क राशि में ही गोचर है और उसके कारण आज आपको कुछ आपका मन शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा इसी वजह से, और आप बाहर निकलने और मेल जोल करने के मूड में भी रहने वाले हैं। आप अपने व्यवहार से सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर सावधान रहना और लापरवाह ना होना भी आपके लिए अति आवश्यक है। मौज मस्ती के बीच संतुलन बना के रखना भी आपके लिए जरूरी है। उपाय आप करें, सुबह उठते के साथ ही ओम हम हनुमते नमः का कम से कम 11 बार नहीं तो 108 बार आप उच्चारण जरूर कर लें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए 7। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। तो आज आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे, मजबूत अवस्था में रहेंगे। आपकी सभी योजनाएं और प्रयास जो भी आपके द्वारा किए जा रहे हैं या जो आपने योजनाएं तैयार की हैं, आज उनका आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स यानी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और आपका कार्य प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहने की संभावना है एवं आपको काफी सम्मान भी प्राप्त होगा। आपका उत्साही व्यवहार भले ही वह कार्यस्थल पर हो या फिर घर पर हो, आज आपके आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध करेगा। अतः आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने का पूरी पूरी संभावना बनता है। उपाय आप करें, तांबे या सोने के पात्र में जल पीने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पारिवारिक जीवन में बेहतरी आएगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए 2। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। तो साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि आपको किसी ऐसी बात को लेकर के चिंता रह सकती है दिमाग में, कि ये मान सकते हैं आप आज के दिन कि चीजें कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसा आप चाहते हैं। आप पूरे दिन तनावग्रस्त और अपने आप को उत्तेजित महसूस करने वाले हैं और एक योजना के साथ आने की कोशिश जरूर करें और संकट से निपटने के लिए अपनी रणनीति में अगर बदलाव की भी आवश्यकता है तो जरूर कर लें, चाहे इस तनाव का स्रोत कुछ भी क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय आप करें, चांदी के गिलास से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और शुभ अंक आपके लिए 2। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आपको अपने आसपास के लोगों के साथ परेशान और निराश महसूस आप कर सकते हैं उनके साथ रह के, और संभावना इस बात की भी है कि आप लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगे हैं, ये भी एक कारण है इसका, और अक्सर उनके द्वारा निराश भी आपको होना पड़ जाता है। लोगों को माफ करना सीख लें, भले ही वो चीज ना करें कि जिसकी आपको उनसे उम्मीद रही थी। अपने आप को और निराश महसूस करने से रोकने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तर्कसंगत रूप से कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा और दूसरों से बहुत अधिक उम्मीद कभी ना करें। उपाय आप करें, प्रेमी या प्रेमिका को चांदी का शुद्ध कड़ा धारण कर लेना चाहिए, इससे प्रेम संबंध बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए 9। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो साथियों, आज आपका जो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण है ये आपके बड़ा काम आने वाला है, इससे अच्छा लाभ मिलेगा आपको और आप अपनी सामान्य जो ज्ञान है और बुद्धि से अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से पूरा कर पाएंगे। और यह आपके लिए सबसे अच्छा समय है आज का दिन कि आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति बन सकते हैं, कहला भी सकते हैं। और आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ साथ जो आपकी इनकम्प्लीट प्लानिंग है या पेंडिंग प्लानिंग है उन पर भी काम करने के लिए दिन आज का बहुत ही सूटेबल है, अच्छा दिन है। उपाय आप करें, पारिवारिक जीवन को बेहतर रखने के लिए
रसोई घर के अंदर नंगे पांव या फिर लकड़ी की चौकी पर बैठ करके भोजन करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, शुभ अंक आपके लिए 6। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो साथियों, आज आप स्वयं का आकलन करें और आप जहां हैं वहां पहुंचने में आपने कितनी मेहनत की है, ऐसी चीजों के बारे में गहराई से सोचने से आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। अगर ऐसा सोचते हैं, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जरूर काम करें। आपको अपने व्यक्तिगत विकास का भी अनुभव जरूर कर लेना चाहिए। उपाय आप ये कर सकते हैं, स्फटिक की बनी माला एक दूसरे को गिफ्ट में देना प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए 2। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। तो साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि आज आपके जो मित्र हैं आपकी तरफ सहायता एवं मार्गदर्शन की दृष्टि से ही देखेंगे। अब क्योंकि जो चंद्रमा है उनका जो संचार हो रहा है जिस राशि में, उसके कारण अपनी जो आपकी यथार्थ क्षमता है उससे भी वो आपको रूबरू कराएगा, यानी कि जो एक्चुअल में आपके पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, उससे भी आपको रूबरू करवाएगा चंद्रमा का गोचर, और आपके अंतर्मन से भी आपका संपर्क बनवाएगा। यही वो समय है कि आपकी आपके मित्रों के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने का, और आप जो भी कर सकते हैं जरूर कीजिए, चाहे अपने मार्गदर्शन से अलग जाकर ही क्यों ना करना पड़ जाए, मगर उनकी सहायता अवश्य करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। आखिरकार यही आपके संबंध हैं जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, और आप अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करके भी बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। उपाय आप करें, आर्थिक उन्नति के लिए हरे रंग के वाहन का प्रयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए 8। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे सभी मित्र हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 16 अगस्त सन 2023 दिन बुधवार संवत 2080 का। लेकिन ये सबको बताने के उपरांत कि आपका आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत होगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ये बताने के पश्चात अब वो समय आ गया है कि जब हमको यहाँ पर अपनी वाणी को देना होगा विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।